हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फन विद गार्डनिंग में। मैं आज आपको सर्कुलेंट्स के बारे में बताऊंगा। सर्कुलेंट्स एक कैक्टस वैरायटी के हैं। मेरे पास तीन अलग अलग प्रकार के सर्कुलेंट्स हैं। इनकी विशेष बात यह है कि ये कटिंग से भी लग जाते हैं। जो मेरे पास ये सर्कुलेंट्स है, मैंने इनको कटिंग से लगाया है। मेरे पास तीन अलग अलग प्रकार के सर्कुलेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पास ये एक तो कैप्सूल बेल है, कैक्टस है, और ये भी एक बेल है, जेडिस प्लांट जिसे बोल। और ये सर्कुलेंट्स किसी भी सीजन में चल सकते हैं, धूप, बारिश और सर्दी में भी चल सकते हैं। लेकिन बारिश में इसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि इनको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, इसीलिए इनकी जड़ी क्या है, गल जाती है। तो इससे बचाने के लिए इसे मतलब बारिश के टाइम में कहीं ऐसी जगह रखा जाए ताकि उसको बारिश का पानी कम लगे। हाँ, और दूसरी बात, इनको ना कम से कम हाई धूप चाहिए, 4 से 5 घंटे के लिए, तब ये अच्छे से ग्लोथ कर पाएंगे। और इनको ग्लोथ करवाने के लिए मैंने जो मिट्टी का जो बनाया है वो ये है। इसके अंदर 50% सेंड है, 25% सोयल है, और 25% इनके अंदर खाद है जो अपन नॉर्मली, और इसमें आसानी से ये चल जाता है। देखो मेरी ग्लोथ, कटिंग की ग्लोथ आसानी से चल गई है। तीनों अलग अलग प्रकार की वैरायटी के देख लो। ये भी कैक्टस की अच्छी पड़ जाती है। ये अगले 10-15 दिन में ग्लोथ स्टार्ट हो जाएगी इनकी भी। और कैक्टस ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं, ये नर्सरी में काफ़ी महंगे मिलते हैं, इसलिए इनकी केयर थोड़ी अच्छे से करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो इनकी डेथ हो जाती है। और बिगनर जो स्टार्ट कर रहे हैं गार्डनिंग लगाना, वो भी इनको आसानी से ग्लो करवा सकते हैं कटिंग के द्वारा। इन कैक्टस को पानी मतलब बहुत कम मात्रा में चाहिए। अगर पानी ज़्यादा दे दे तो इनकी जड़ें नीचे से गल जाती है और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इससे बचने के लिए इनको धूप ज़्यादा चाहिए और पानी कम देना है, जिससे क्या है कि प्लांट अच्छे से ग्लोथ कर पाए कैक्टस, और इनकी डेथ भी नहीं हो। क्योंकि इनके अंदर है ना पानी स्टोरेज करने के लिए होता है पत्तियाँ, ताकि पानी बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो सकता है इनमें, इससे इसलिए इनको पानी बहुत कम चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।